यूपी के नए डीजीपी सुलखान सिंह की इनिंग शुरू हो गई है। सुलखान सिंह ने आज पदभार संभाल लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ से भी उनकी आज मुलाकात हुई। उस वक्त धुआंधार बैटिंग करने का है, ऐसी बैटिंग कि यूपी को अपराध मुक्त करने का योगी का दावा सही साबित होता दिखे। खबरदार में आज हम आपको सुलखान सिंह के पूरे एक्शन प्लान के बारे में बताएंगे, उनसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको यह दिखाते हैं कि आखिर सुलखान सिंह में योगी को ऐसा क्या दिखा कि उन्हें यूपी पुलिस का नया चीफ बनाया गया। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़कर के चले जाएं। बहन और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। किसी भी क्रिमिनल केस में किसी को कोई छूट या ढिलाई नहीं दी जाएगी। किसी को अराजकता भी फैलाने नहीं देंगे। हम ये किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि वो खुद किसी तरह की जोर जबरदस्ती या कोई कार्रवाई करे। प्रदेश में जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर ये सरकार पूरी तरह खरी उतरेगी। छद्म वेश में छुपे हुए रह करके ये देखेंगे कौन लोग हैं जो उत्पीड़न या परेशानी कर रहे हैं। ये सीएम योगी के नए सेनापति की वो सौगंध है जिसे फूलते फलते और अंजाम तक पहुंचते पूरा उत्तर प्रदेश देखना चाहता है। अपराध ग्रस्त उत्तर प्रदेश में अमन के फूल उगाने की जिम्मेदारी जिस शख्स को सौंपी गई है वो आपके सामने है। ये सुलखान सिंह है। सुर्खियों से दूर, खामोशी से फर्ज निभाने वाले सुलखान को क्यों योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा नंबर एक पर लगाया, इसकी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यूपी के अपराध तंत्र में खलबली मचाने वाले कुछ फरमान सुन लीजिए। मैं ये सभी को अशोर करना चाहता हूं कि एक जैसी और निष्पक्ष पुलिसिंग की जाएगी, और जनता को भी मैं ये अशोर करना चाहता हूं कि उनकी सभी शिकायतों को टाइमली दर्ज किया जाएगा और निष्पक्ष कार्रवाई कराई जाएगी। सर, यूपी पुलिस पर लगातार ये आरोप लगते रहे पहले भी कि पक्षपात करती है पुलिस, कहीं ना कहीं वो उसके अंदर वो मादा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और जहाँ कहीं भी इस तरह की शिकायत मिलेगी निष्पक्ष कार्रवाई जाँच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। सुलखान सिंह का ऐलान है कि मुजरिमों पर एक ही डंडा चलेगा, कानून का। पुलिस ना जात पात देखेगी, ना मजहब और ना राजनीतिक रसूख देखा जाएगा। वैसे ये वो ऐलान है जिस पर अमल करना आसान तो नहीं, लेकिन सुलखान का संदेश सख्त है। गौर अच्छा के नाम पर या पब्लिक पैसेज पे छेड़खानी के नाम पर या किसी और इस तरह के किसी आधार पर किसी भी नागरिक को अधिकार नहीं है कि वो खुद कोई हस्तक्षेप करे, और अगर कोई इस तरह कार्रवाई करता है, विजिलेंटिज्म करता है खुद जाकर के, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को कोई सूचना मिलती है तो वो पुलिस को सूचना दे, इसकी पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। सुलखान सिंह को कप्तानी सौंपने में योगी आदित्यनाथ को एक महीने जरूर लग गए, लेकिन जब ऐलान हुआ तो किसी को हैरानी नहीं हुई। यहाँ आपके लिए कुछ ऐसी खास बातें जानना जरूरी है जो सुलखान के सिलेक्शन की वजह हो सकती है। सुलखान सिंह के जितने अच्छे दिन आज हैं, उतने ही बुरे दिन समाजवादी राज में थे। 2012 में जैसे ही समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, सुलखान सिंह को उन्नाव भेज दिया गया। सुलखान सिंह को उन्नाव के बांगरमऊ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की जिम्मेदारी दी गई, जिसकी तुलना यूपी के पुलिस वाले काला पानी की सजा से करते हैं। समाजवादी पार्टी से सुलखान की खास अदावत इसलिए भी थी क्योंकि मुलायम राज में पुलिस भर्ती में धांधली की जाँच की थी। 2007 में मायावती ने उन्हें जांच का जिम्मा सौंपा था, जिससे मुलायम सिंह को ये लगा कि वो बीएसपी खेमे के पुलिस अफसर हैं। 1980 बैच के आईपीएस अफसर सुलखान सिंह वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ में अहम पोस्ट पर रहे। 1983-84 में वाराणसी में छात्र आंदोलन के दौरान सुलखान के रोल की तारीफ हुई थी और वो काशी के बच्चे बच्चे तक में लोकप्रिय हो गए थे। सुलखान सिंह नए डीजीपी बने हैं, उनकी ख्याति बहुत अच्छी है। एक स्वच्छ छवि के अधिकारी हैं, सत्यनिष्ठ अधिकारी हैं, ईमानदार कहे जाते हैं। मैं समझता हूं कि योगी जी ने बहुत अच्छी चॉइस की है डीजीपी के रूप में सुलखान सिंह की, क्योंकि अगर वरिष्ठता से देखा जाए तो वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, और योग्यता से भी देखा जाए तो वो बहुत ही योग्य अधिकारी हैं। सुलखान जितने सख्त हैं, उनकी सादगी भी उतनी ही मशहूर है। यूपी के पुलिसिया सिस्टम में उनकी ईमानदारी के जबरदस्त चर्चे रहे हैं। सुलखान सिंह बांदा के साधारण किसान के पुत्र हैं। चार भाइयों में सबसे बड़े हैं। आठवीं तक की पढ़ाई गांव से की है, रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की, लॉ भी किया। पिता और भाई काश्तकारी से जुड़े हैं। अचल संपत्ति के नाम पर महज 3 कमरों का फ्लैट है।
पुलिस मेडल और राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हो चुके हैं। हमारी प्राथमिकताएं जनता की सुरक्षा, उनके अधिकारों का संरक्षण, उनके आत्मसम्मान की रक्षा तथा इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पुलिसिंग की प्राथमिकताएं तय की हैं वो भी उसमें शामिल रहेंगे। सुलखान का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है, भ्रष्टाचार के दाग भी नहीं लगे, इसीलिए योगी आदित्यनाथ के लिए सुलखान पहली पसंद बने। लेकिन सवाल अब चुनौतियों और उम्मीदों का है। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। बड़ा सवाल, क्या सुलखान सुख के दिन लाएंगे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? तो अब यूपी को अपराध मुक्त करने का पूरा दारोमदार सुलखान सिंह पर है। खबरदार में हम आपको सुलखान सिंह का वो एक्शन प्लान दिखाएंगे जिसका खुलासा उन्होंने आज तक से खास बातचीत में किया। ये वो बातचीत है जिसे देखकर यूपी के अपराध तंत्र में खलबली मचना तय है। नौकरशाही में जिस बड़े बदलाव की चर्चा योगी सरकार के बनने के साथ ही शुरू हुई वो बीती रात हो गई। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी सुलखान सिंह बने हैं जो सख्त तेवर के माने जाते रहे हैं और लंबे समय तक, यही वजह है कि लंबे समय तक शंटिंग पोस्टिंग में रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुद सुलखान सिंह साहब जो कि सीनियर मोस्ट आईपीएस हैं और डीजीपी बने हैं। सर, आज तक में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये सारी जनता भी जानना चाहती है कि सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया के सामने और सबसे पहला एजेंडा क्या है आपका? कि सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे महसूस हो रहा है वो है नागरिकों के बीच में पुलिस की इमेज को ठीक करना, और वो पुलिस के व्यवहार से ठीक होगा, निष्पक्ष व्यवहार। और सबसे बड़ी समस्या है FIR दर्ज न होने की। तो हम त्वरित और करेक्ट FIR दर्ज करने का तुरंत प्रयास करेंगे जिससे हमारी बहुत सारी समस्याएं और जन सहयोग की जो कमी रह जाती है वो इससे दूर होगी हमारे सामने। सर, इसका कोई रोड मैप है आपके सामने कि किस तरीके से आप करेंगे अपनी प्राथमिकताओं को? क्योंकि आज सुबह आपने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि जो योगी सरकार की प्राथमिकता है वो हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। हाँ, वो गवर्नमेंट की प्राथमिकताएं जिन बिंदुओं पर हैं उस पर तो हम कार्रवाई करेंगे ही। कार्य योजना तो हमारी बहुत व्यापक है, लेकिन जो चैलेंज है हमारे सामने वो है पुलिस एटीट्यूड और बिहेवियर की, उसे हमें ठीक करना है। हमारा काम हमारे बिहेवियर से ओवरशैडो हो जाता है। सर, जैसे जैसे नौकरशाही जैसे सरकार बदलती है नौकरशाही भी वैसी बदलती है, और उत्तर प्रदेश पुलिस पर ये हमेशा आरोप रहा है कि जिस तरीके से सत्ता सोचती है उस हिसाब से पुलिस काम करती है। क्या नए DGP सुलखान सिंह इससे अलग होंगे, पुलिस की अपनी छाप दिखाई देगी, और क्या आप किसी राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, ये राजनीतिक अदला बदली से प्रभावित नहीं होता है। हमारा काम कानून में चार्टर्ड है, स्पष्ट रूप से रेखांकित है, हमें उसी तरह से काम करना है। जो लोग राजनीतिक चीज़ों से प्रभावित होते हैं वो अपना काम नहीं करते हैं। सर, अभी दो दिन पहले बहुत बड़ा ट्रांसफ़र हुआ है पुलिस वालों का, खास करके उनके साठगांठ के संबंध के आरोप लगाए गए कि क्रिमिनल लोगों से साठगांठ रही है, या फिर अपने परिवारों को इन्होंने अपने इलाके में बहुत सुविधाएं पहुंचाई हैं, ऐसे आधार पर करीब 650 लोग। तो आपने तो सिर्फ ट्रांसफ़र किया, क्या ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई होगी क्या? पहले बात, जो हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं उसमें हम ट्रांसफ़र पॉलिसी का पूरा पालन करेंगे। जिन लोगों का जनपदों में इकाइयों में टाइम पूरा हो गया है उनको वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा, 100% ट्रांसफ़र किए जाएंगे, किसी का ट्रांसफ़र उसके खिलाफ रोका नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी के अपराधियों से साठ गांठ है या मिली भगत है तो उसमें अगर साक्ष्य मिलेगा तो उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी, और अगर केवल संदेह की बात है तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी उसमें। सर, जो लैंड माफिया के खिलाफ जो सरकार का भी एक एजेंडा है कि लैंड माफिया के खिलाफ मुहिम चलेगी, पुलिस इस मुहिम में क्या रोल होगा पुलिस का? पुलिस का रोल उन सही मामलों में है जहां कोई आपराधिक गतिविधियां होती हैं। लैंड जबरदस्ती कब्जा करना, जालसाजी के दस्तावेज बना के कब्जा करना,
या इस तरह की अन्य किसी इलीगल एक्टिविटी से लैंड कब्जा करना, वो सब लैंड माफिया की श्रेणी में आता है, वो क्रिमिनल ऑफेंस है, पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। लेकिन हम माफिया के समस्त कैटेगरीज में कार्रवाई करेंगे जो लाभ के लिए अपराध करते हैं और पब्लिक लाइफ में मौजूद रहते हैं, ऐसे लोगों को माफिया कहते हैं। और इसमें हम केवल लैंड माफिया के खिलाफ नहीं, हम इसमें ठेकेदार के माफिया हैं, लिकर माफियाज हैं, जितने भी किसी तरह के माफिया हैं, उन सभी खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। जब से सरकार बनी है कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। गौरक्षकों का एक मामला है कि गौरक्षक कई इलाकों में खुद कानून हाथ में ले रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे आज तक इंडिया टुडे का एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है जिसमें मुरादाबाद में कई लोग खुलेआम कह रहे हैं कि वो गौरक्षक हैं और वो गौरक्षकों के नाम पे लोगों को पीट रहे हैं, बकायदा कैमरे पर इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा है एक लगता है आपको, और दूसरा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या करेंगे क्योंकि अभी तक दो दिन हो चुके हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति या संगठन पब्लिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। अगर वो कार्रवाई करता है, कोई मारपीट करता है या रोका टोकी करता है, तो ये जुर्म है और पुलिस उसमें सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। हम सभी से ये अपील करते हैं कि अगर किसी को कोई सूचना प्राप्त होती है तो वो पुलिस को बताए, ना कि स्वयं कोई कार्रवाई करने लगे। फिर भी अगर कोई कार्रवाई करेगा तो उसको परिणाम भुगतना होगा। हम लोगों ने जो स्टिंग किया है बकायदा उसकी सीडी भी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई अरेस्टिंग इस बारे में हुई नहीं है। कैसे माना जाए कि पुलिस बहुत गंभीर है इन मुद्दों को लेकर? पुलिस पूरी तरह से गंभीर होगी और स्टिंग के मामले में जो आप बता रहे हैं उसमें क्या हो रहा है वो केस देखेंगे और उसमें जो भी एविडेंस होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बहुत से लोग इस तरह की उद्दंडता की बातें करते हैं खाली, लेकिन खाली बात करने से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है उसके खिलाफ। लेकिन अगर उसने किसी से मारपीट की है, कोई ऐसी बात की है, तो वो इस कार्रवाई से बच नहीं सकता। महिला सुरक्षा को लेकर के और खास करके लव जिहाद और एंटी रोमियो जैसे स्क्वाड बनाकर जो लोग खुद मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं, इस पर क्या करेंगे? मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है, किसी को भी कोई खुद पुलिसिंग न करने जाए, ना मॉरल पुलिसिंग ना इमॉरल पुलिसिंग, किसी भी नागरिक को खुद पुलिसिंग करने का अधिकार नहीं है। और ये लव जिहाद वगैरह ये इस तरह के वेग टर्म्स हैं, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ तक लड़कियों के भगाने का या किडनैपिंग की सवाल है, तो उसमें अगर लड़की माइनर है तो उसको किडनैप करना जुर्म है और उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन किसी नागरिक को इस तरह में कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, कोई उसको शिकायत मिलती है तो पुलिस के पास जाना होगा। सर, आपको लगता नहीं कि एंटी रोमियो जो मुहिम है वो सरकार के एजेंडे में है, सरकार के संकल्प पत्र में है, लेकिन पुलिस वालों में भी उसको लेकर के अति उत्साह दिखाया है? हो सकता है, मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, हो सकता है कुछ त्रुटियाँ हुई हों, लेकिन हमने ये इसमें तय किया है कि इनको स्थायी निर्देश हर एक स्क्वाड को दिए जाएंगे और पुलिस अधीक्षक स्वयं ब्रीफ करेंगे इनको, इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे ख्याल में इसके बाद कोई दुरुपयोग की गुंजाइश नहीं रहेगी इसमें। सर, आपकी छवि ऐसे एक अधिकारी की मानी गई जो किसी की सुनता नहीं है। योगी सरकार में आप मुख्यमंत्री योगी की सरकार है, तो आप माना जाए कि आप भी किसी की सुनेंगे? मैं सबकी सुनता हूँ, आपकी भी सुनूंगा, नागरिकों को भी मुझे सुननी है, जनप्रतिनिधियों को भी सुनूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी निर्देश देंगे उसके भी कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत व्यापक निर्देश आज दिए हैं उन्होंने पुलिस को, मैं उनसे मिलने गया था, हमने उनको नोट किया है। ख़ास तौर पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में, पब्लिक ऑर्डर में, क्राइम के मामले में, गश्त के मामले में, ट्रैफिक व्यवस्था मेंटेन करने में, सड़कों पर जगह जगह जो लोग गाड़ी खड़ी करके जाम लगा लेते हैं उसके बारे में, महिलाओं के साथ छेड़खानी इस तरह के मामलों में, सभी मामलों में व्यापक रूप से आतंकवाद के बारे में उन्होंने निर्देश दिए हैं, वो हमने नोट किया है, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बहुत धन्यवाद सुलखान सिंह साहब आज तक से बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुलखान सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, यूपी छोटा मोटा राज्य नहीं और यूपी की पुलिस भी कोई छोटी मोटी नहीं। खबरदार में अब हम आपको ये दिखाते हैं कि कैसे नए डीजीपी सुलखान सिंह के लिए नई जिम्मेदारी कांटों के तार से कम नहीं है। यूपी पुलिस भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है। यूपी पुलिस में स्वीकृत पदों की संख्या 3,63,000 है, 1,82,000 पद खाली है, 1,81,000 पद भरे हैं, यानी स्टाफ का भारी टोटा है। यूपी में 1,00,000 आबादी पर सिर्फ 78 पुलिस वाले हैं। सुलखान सिंह को इस चुनौती से भी जूझना होगा। यूपी पुलिस पर 2,43,286 वर्ग किलोमीटर एरिया में कानून व्यवस्था